गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हम मैसेज कर दिए थे, थोड़ा सा हम अस्वस्थ हो गए थे बीमार पड़ जाने के कारण, आपका वीडियो लोड नहीं हो पा रहा। अब संभावना रखिए कि रेगुलर वीडियो लोड होगा, एक नहीं हो सके तो दो भी हो सकता है। हम प्रयास करेंगे अधिक से अधिक काम हो आपका। ऐसे काम तो इधर हम जोर लगा के शुरू किए थे, लेकिन अस्वस्थ हो जाने के कारण पुनः आपका कार्य बाधित हो गया। तो चलिए आप लोग भी गॉड से प्रार्थना करते रहिए कि हम स्वस्थ रहें ताकि आपका कार्य बाधित नहीं हो। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। पता है ना क्या पढ़ रहे थे, यूनिट 8 शुरू किए थे। और यूनिट 8 जो आपका था डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है आपको, उसी को हम लोग शुरू किए थे। याद होगा केवल एक क्लास हुआ था आपका, एक क्लास हम लिए थे और बता रहे थे 3-4 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो आपका था वो बेसिक था, जिसमें प्रायः 11 से रिलेटेड बातें होती है। उसी बेसिक की बात हम लोग कर रहे थे और उसी बेसिक में बहुत सारी बात आप लोगों को हम बताए थे, और उतना बताने के बाद अगला हेडिंग भी दे दिए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको शॉर्ट में हम ईसी लिखे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किए थे लास्ट हेडिंग में। उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नीचे एक हेडिंग और लिखे थे हम इनर्ट गैस के बारे में। निष्क्रिय गैस था, 6 की संख्या में थी, सभी बच्चे को बोले थे याद कर लीजिए। तो हमको जैसा लग रहा सभी बच्चे याद भी कर लिए होंगे, वही था याद होगा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, याद आ रहा है ना। यही 6 की बात किए थे जिसका भी पूरा एप्लीकेशन होगा, इसीलिए उसको रिकॉल कीजिए कहाँ है, फिर यूज करेंगे तो बिल्कुल बात स्पष्ट होगी। क्योंकि कुछ टेक्निकल काम होगा, उस टेक्निकल काम में उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अपनी बात को रखते हैं। तो हेडिंग मारे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लोग लिखिएगा तो लिख भी सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख लीजिए बेहतर है। और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में भी लिखे थे ईसी। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम इतना लिखे थे पिछले क्लास में इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस में आपका हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेड, ये निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेड। अब इसका एटॉमिक नंबर मेन यूज होगा, एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका 86 होता है, इसी पे खेल होगा आप लोगों का। ये 2 10 18 36 54 86, उसके बाद नंबर भी याद रखना पड़ेगा। ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पे है,
ये तीन नंबर पर है, ये चार पे है, ये पांच पे है, ये छह पे है। इस तरह से इसको याद रखना पड़ेगा हम लोगों को कि कौन कितने नंबर पे है। तो दो चीज इसका मेन यूज करेंगे, सिंबल तो यूज होगा है, उसके बाद ये एटॉमिक नंबर यूज करेंगे और ये कितना नंबर पे वो है। जैसे क्रिप्टन है तो कितना नंबर पे है, तो देखिए 4 नंबर पे है। नियन है तो कितना नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है। इस तरह से उंगली पे काउंट करके याद रखना है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। अगर ये नहीं याद रहेगा तो फिर हमारा टेक्निक ट्रिक्स जो है वो आपके लिए काम नहीं करेगा, और वो नहीं होगा तो आपका यूनिट 8 तो गायब होगा ही, 9 भी गायब हो जाएगा, 7 भी गायब हो जाएगा, यानी कम्प्लीटली इनऑर्गेनिक ही कहीं आपका खराब स्थिति में पहुंच जाएगा। इसीलिए इसको आपको कर लेना है। तो पिछले क्लास में हम यहाँ तक कर दिए थे, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो देखिए ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अगर 11th की बात करें तो उसमें बहुत सारी विधि है, नियम है। जैसे देखिएगा मेन जो लिखा जाता है ऑफबॉ प्रिंसिपल के आधार, ऑफबॉ का सिद्धांत है, उसी ऑफबॉ सिद्धांत के आधार पर लिखा जाता है। लेकिन वो ऑफबॉ प्रिंसिपल सबको अगर देखेंगे आप तो फिर परेशान हो जाएंगे। कहने के लिए बहुत सारी बात है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जब लिखने लगेंगे तो फिर बात कठिन हो जाती है, हो नहीं पाता। इसीलिए टेक्निकली हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपके लिए इजी हो जाएगा। बस एक बार देखिएगा, लगेगा नहीं सर फटाफट होने लगा, और आप भी कहिएगा नहीं सर हो रहा है, निश्चित रूप से मैसेज कीजिएगा नहीं सर तो इजी हो गया, आसानी से हो रहा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे आखिर लिखेंगे, तो उसी पे आ रहे हैं। तो उसमें हम यूज करेंगे पिछले क्लास में लास्ट हेडिंग एक चीज बताए थे आपको, उसका भी एप्लीकेशन होगा उसमें। तो याद कीजिए ये बताए थे कि पहला जो ऑर्बिट है उस पहला ऑर्बिट में एक के गो था 1, दूसरा में जब गए थे तो 2 गो था, इसीलिए लिखे थे 2s और 2p। तीसरा में गए थे तो 3 था, 3s, 3p, 3d। चौथा में गए थे 4 था, 4s, 4p, 4d, 4f। पांचवा में गए थे तो 4 था, 5s, 5p, 5d, 5f। छठा में गए थे 3 था, 6s, 6p, 6d। और सातवां में गए थे 2 था, 7s, 7p। तो ये आपको पिछले क्लास में हम बता दिए थे, एक बार रिमाइंड इसीलिए कर दिए क्योंकि बीच में ब्रेकेज आ गया है, ये 7 रोज से आपका क्लास नहीं हो पाया है, इसलिए एक बार हम साइड में लिख भी दिए हैं और अभी बताएंगे तो यहाँ से यूज करेंगे तो डायरेक्ट आपका टावर काम करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये एक ट्रायंगल बनाती है, सभी बच्चे जानते हैं, ये जो हम बना दिए बोर्ड पे ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज हो गया जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो ये ट्रायंगल आपका बन चुका है बोर्ड पे। अब देखिए क्या करना है, उसमें जितना चीज है, देखिए उसमें 4 चीज है, S वाला है, P वाला है, D वाला है और F वाला है, यही 4 है, इसके सिवाय तो कुछ है नहीं। S वाले, P वाले, D वाले और F वाले, तो उसी को रखना है। तब देखिए कैसे रखना है, तो सबसे पहले जानिए ये टॉप पे आपको 1s रख देना, टॉप पे सबसे ऊपर में 1s को रखेंगे। उसके बाद सब S वाले को इस साइड पे रखिए और P वाले को इस साइड पे रखिए। अब देखिए सब में SP है, देखिए दूसरा में भी SP है, तीसरा में भी SP है, चौथा में भी, पांचवा में भी, छठा में भी, सातवां में भी, सब में SP है। तो कैसे रखना है, तो इस तरह
फोरस फोर्टी, हाइरस फाइवटी, सिक्स एस सिक्सटी, सेवन एस सेवेंटी। ऐसे जो बच्चे हमारे यहाँ इलेवेंथ में थे वैसे बच्चे को पता है, और जो नए बच्चे ज्वाइन किए थे ट्वेल्थ में वैसे बच्चे को पता नहीं है। बहुत लोग बताते हैं लेकिन बहुत सारी विधि के द्वारा बताते हैं जिसमें परेशानी हमेशा बनी हुई रहती। इसको आप फॉलो करेंगे कभी रटना नहीं पड़ेगा, इजली काम आपका होगा। तो इस तरह से देखिए, सब एस वाले को इस साइड पे रख दी, सब पी वाले को उस साइड पे रख दी। बोलिए इतनी बात में याद रहेगी सभी बच्चे को, ये याद हो गया होगा। कहाँ कुछ याद करना है इसमें। टॉप पे एस को रखे, उसके बाद टू एस टू पी, थ्री एस थ्री पी, फोर एस फोर पी, फाइव एस फाइव पी, सिक्स एस सिक्स पी, सेवन एस सेवन पी। ये हम लोग फॉर्म कर। अब कहिएगा सर प्रश्न उठने लगा होगा आपके ब्रेन में, दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये जो आप डी और एफ बच गया इसका क्या करेंगे। अब देखिए केवल डी और एफ हम लोग का बच रहा है, बाकी तो हम लोग रख दिए। तब डी और एफ का प्लेस हम लोग को चुनना है कि डी और एफ को कहाँ रखना है। तो चलिए उसी डी और एफ के लिए आपको हम ये भी बताए थे, और इसमें देखिए यूज किए तो यहाँ से लिए हम लोग सब, तो जो बचा हुआ आप देखिए कैसे रखते हैं। तो जानिए करना आप क्या है डी और एफ के लिए क्या करना है। तो आपको जब ये जितना एस वाले हैं उस एस वाले पे जाके सोचना है। कहिएगा क्या सोचेंगे सर। सोचना ये है कि अगर आप एस पे जाके सोच लेना है क्या, तो मान लीजिए ये एस के पीछे जो संख्या है उसको हम एन मान लिए। ये जो एस के पीछे है उसको हम लोग एन मान लिए हैं। जैसे यहाँ की बात करें तो एन का मान दो हो जाएगा, यहाँ की बात करें तो एन का मान तीन हो जाएगा, यहाँ की बात करें तो एन का मान चार हो जाएगा, यहाँ की बात करें एन का मान पाँच हो जाएगा, यहाँ जाएंगे एन का मान छः हो जाएगा। तो इस तरह से एन का वैल्यू होगा। तो एन हम लोग यही इसी को मान लिए हैं, इसके पीछे जो नंबर है उसको हम लोग एन मान। अब देखिए अगर डी आपको रखना है तो क्या कीजिएगा, डी के लिए आप क्या कीजिएगा, एन जितना रहेगा उस एन में से एक सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एन से एक सब्सट्रैक्ट करके डी को विचार कीजिएगा। जैसे यहाँ दो है तो दो में से एक घटा देंगे कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। यहाँ तीन है एक घटा देंगे दो बच जाएगा, तो वो तो इजीली हम लोग घटा सकते हैं। यानी डी के लिए आपको हमेशा एक कम कर देना है, और एफ के लिए क्या करना है, दो कम कर देना है। एफ के लिए क्या कीजिएगा, एफ के लिए दो कम कर दीजिए। बस समझिए कहानी आपकी खत्म होने जा रही है, इसी पे टोटल काम आपका हो जाता है। देखिए क्या बताए, अब डी जो एन होगा उसमें से एक कम कर दीजिएगा डी आ जाए, और दो कम कर दीजिएगा एफ आ जाए। अब देखिए हम लोग सब पर विचार करते हैं। जैसे यहाँ देखिए हम विचार करते हैं, और यहाँ विचार करते हैं तो टू एस है। अब टू एस पे आप जरा विचार कीजिए, ये टू एस है। देखिए यहाँ हम लेते हैं टू एस, और टू एस में बोलिए अगर डी लेंगे तो कितना डी हो जाएगा। टू एस ले हैं, टू एस लिए ना, तो अभी क्या बोले डी के लिए कितना कम कीजिएगा, डी के लिए एक कम कीजिएगा, एक कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वन डी। और एफ के लिए क्या बोले, एफ के लिए बोले दो कम कीजिएगा तो जीरो एफ हो जाएगा। अब देखिए आप वन डी होता है सोचे हम लोग, तो आया वन डी और जीरो एफ। नो तो वन डी होता है नो जीरो एफ होता है। मीन्स यहाँ जो हम लोग सोचे दो एस पे डी और एफ साथ
संभव नहीं है, इसीलिए यहां डायरेक्ट 2s से चले जाएंगे 2b। यानी देखिए लिंक हम लोग का बन रहा 1s 2s 2b। अब विचार करते हैं 3s पे, और 3s पे विचार करते हैं तो देखिए 3s पे विचार करेंगे कितना d लिखे हैं, तो देखिए 3s पर विचार करेंगे तो ये घटा ये कितना 2d, और कितना है f के लिए दो कम करेंगे ना, f के लिए दो कम करेंगे 1f हो जाए, और 1f हो जाएगा बोलिए 2d होता है, देखिए 2d नहीं होता, तो 2d नहीं होता और 1f भी नहीं होता, मींस यहां भी संभव नहीं है, इसीलिए बोल रहे थे हम कि उसी पे खेल होगा काम होगा, तो इसीलिए 3s पर भी संभव नहीं हुआ, इसीलिए देखिए 1s और 2s 2p 3s 3p रेगुलर हो गया। अब चलिए 4s पे हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं 4s पे क्या होता है। अब देखिए 4s पे जब सोचते हैं तो क्या बोले, एक कम करेंगे d के लिए तो देखिए 3d हो गया, f के लिए दो कम करेंगे 2f हो गया। अब बोलिए 2f तो देखते हैं नहीं होता है, लेकिन देखिए 3d होता है, और 3d होता है तो इसको रखना पड़ेगा, तो इसको रखना पड़ेगा, तो देखिए अब पता चल गया हम लोग को कि 4s पर जब सोचे तो 3d होता है, इसीलिए इस बीच में लिख लेंगे हम लोग 3d। यानी अब हुआ ऐसे चलेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। तो 4s पे जैसे देंगे दिमाग तुरंत काम कर जाएगा आपका, ओ एक घटाएंगे 3d हो जाए, तो शुरू शुरू में लगता है लेकिन बाद में पूरा काम आपको आसान हो जाएगा। और एक बार देखिए इसके बाद में आप अपने से लिख डालते हैं, उसी तरह देखिए 5 पे सोचिए, अब डायरेक्ट सोचिए तो 5 पे सोचेंगे d के बारे में तो 4d होगा, f के बारे में सोचेंगे 3f होगा, 3f तो नहीं होता है लेकिन 4d होता है, और 4d होता है, और 4d होता है तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d। यानी अब जान लीजिए कि ये चौथा और पांचवा जो है इस दोनों पे दोनों संभव, क्या कहते हैं d संभव। अब आइए यहाँ देखते हैं, और यहाँ देखिए d के लिए एक घटाइएगा 5d हो जाएगा, f के लिए दो घटाइएगा 4f हो जाएगा, तो 5d भी हो गया और 4f भी हो गया। अब देखिए ये दोनों होता है, देखिए 5d भी होता है और 4f भी होता है, तो यहाँ तो दोनों संभव हो गया। अब क्या करेंगे, एक प्रश्न उठ गया कि जब दोनों संभव हो गया ताकि पहले लिखेंगे किसको, किसको पहले लिखिएगा, तो दोनों संभव हो गया तो देखिए इतना तो याद रख लीजिए, इसे 11th में नियम है, रूल है n प्लस l रूल, लेकिन उस सब रूल पे हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, केवल इतने जानना है दोनों संभव हो गया पहले f वाले को लिख ले, तो पहले f वाले को लिख ले तो f के लिए जमते दो कम करते हैं, दो कम करते हैं मीन्स 4f हो गया, और d के लिए एक कम करते हैं 5d हो गया। उसी तरह से जान लीजिए यहाँ भी दोनों संभव होगा, तो पहले f लिखें तो f के लिए दो कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, f के लिए दो कम कीजिए कितना 5f, f के लिए दो कम करेंगे तो देखिए हो गया 5f, और d के लिए एक कम करेंगे कितना हो गया 6d हो गया। इस तरह से देखिए आप उसमें जितना है टोटल को हम लोग इस ट्रायंगल पे रख चुके हैं। अब इतना ही याद रख लेना है कि ये चौथा और पांचवा पे केवल d होता है और छठा और सातवा पे दोनों होता है, d भी होता है और f भी होता है, वो भी रटने की बात नहीं, वहां हम क्लियर कर दिए, लेकिन रटना भी हो तो बिल्कुल आसान है, उसमें एक चीज अब याद रखना है क्या, तो f को पहले और f के लिए दो घटाना है। तो इस तरह से देखिए हम लोग का ट्रायंगल बन चुका है, अब इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप लिखने योग हो चुके हैं। तो चलिए अगर लिखना है तो
तो ये हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। एकदम एक भी नहीं रुकेगा। केवल ये याद रखे है ना कि एस में दो होता है, पी में छः होता है, डी में दस होता है, एफ में चौदह। बस इसी का केवल यूज होगा। जितना का लिखना है सबका आप लिख सकते हैं। तो इसी आधार से आप सबको फॉलो कर सकते हैं, सबको लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, बोलो कि वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, हम लोग काम कर सकते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को अब लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब मान लीजिए 10 का लिखना है, देखिए 10 का हमको लिखना है। और 10 का लिखना है तो देखिए 10 का कैसे लिखेंगे। तो 10 का देखिए नियम बताए कि सबसे पहले किसको लिखना है, 1s को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 1s को लिखेंगे। रे रानी कितना आदमी है, बुला लो, बोल लो, चुपचाप बैठे। तो बताए 10 का आपको लिखना है। और 10 का लिखना, तो 10 का लिखने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग लिए 1s, और सबसे पहले 1s लिए। तो देखिए s में आप जानते हैं कितना रखना है, दो रखना, लेकिन आपको लिखना कितना है, ये 10 का लिखना है। और 10 का लिखना तो अभी तो दो ही केवल भरेगा। तो 1s के बाद देखिए क्या है, 2s है। तो 2s लिए, इसमें दो भर दी, लेकिन अभी भी चार ही हुआ है। आपको भरना कितना है, 10 भरना है। तो देखिए 2s के बाद क्या है, 2p है। तो 2p हम लोग लेंगे, और ये 2p लेंगे, p में कितना होता है, 6 होता है। तो इस तरह से देखिए हम लोग का हो गया, s में 2, p में 2 होगी, s में 2, फिर s में 2, p में 6। तो देखिए 6 2 8 2 10। तो इस तरह से 10 का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख चुके हैं। तो इस तरह से 10 हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। इसी तरह देखिए किसी को भी हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग के लिए काम टू इजी हो चुका है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये 10 का लिख लिए। इसी तरह मान लीजिए आपको लिखना है 15 का, और 15 का लिखना है। तो देखिए 15 का लिखते हैं, बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं यहाँ ट्रायंगल फॉलो करेंगे, क्या 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, है ना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। भर के देखिए कुर्ता है कि नहीं। तो देखिए 2 2 4 6 10 हो गया, 2 12 हो गया, लेकिन अभी हम लोग को पूरा कितना करना है, हम लोग को 15 पूरा करना है, लेकिन अभी तक आपका 12 ही है। और आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए 3s के आगे क्या है, 3p है। तो 3p हम लोग ले लिए, और 3p ले लिए तो देखिए अभी तक कितना हुआ था, 12 हुआ। कितना बच रहा है, 3 हम लोग को और बच रहा है। और 3 और बच रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 3 पुट कर देते हैं। तो देखिए हो गया 15। बहुत लोग प्रश्न कर देते हैं, क्लास में अगर आप रहते तो ढेर सारे उठ के खड़े हो जाते हैं कि सर सर पी में 6 होता है, 6 होता है। अरे 6 जब हम लोग दे देंगे तो फिर वो आपके 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, लेकिन आपको लिखना तो 15 का ना है। और बताए थे पिछले क्लास में कि पी में मैक्सिमम 6 होता है, 1 से 6 तक होता है। 1 से 6 तक में आप कुछ भी दे सकते हैं दे सकते हैं, लेकिन 6 से अधिक कभी भी नहीं दे सकते हैं। तो ये हम लोग का रूल पिछले क्लास में आपको मिल चुका है। तो देखिए हम लोग का तैयार हो गया, कितना का लिख लिए 15 का लिख लिए। मान लीजिए 25 का लिखना है, 25 का लिखना है। अब फटाफट लिखिए, देखिए 1s, 2s, 2p,
3s, 3p, 4s, 3d. देखिए वो हम बोलो कर रहे हैं 4s, 3d. अब भर दीजिए. देखिए जानते हैं 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 5 25. देखिए 25 का लिखा चला गया. आप 9 10th में पढ़ते हैं तो टीचर लोग रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, कंडीशन शर्त लगा देते हैं कि 20 तक लिखिए, 15 तक लिखिए. लेकिन यहाँ हम लोग के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है. आप जिसका भी लिखना चाहें सभी का लिख सकते हैं, सबको बना सकते हैं. तो इस तरह से काम आपका हो जाएगा, कहीं रुकावट रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है. फटाफट बनाते रहिए. जैसे मान लीजिए कहिएगा सर 30 का लिखिए, ठीक है सर लिखा जाएगा. तो क्या लिखिएगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 3d, 4p, 4p. तो देखिए कितना गया, 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10, 30. देखिए यहीं तक में हम लोग का पूरा हो गया. इस तरह से देखिए किसी का लिखिए, सब का आप लिख सकते हैं. तो ये देखिए हम लोग लिखे अभी तक, तो मान लीजिए हमको लिखना है 50 का लिखना है. अब 50 का लिखना है तो कहेंगे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p. और भर दीजिए अलग टन. देखिए 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 50. तो देखिए 50 तक हम लिख दिए. और इसी को फॉलो करते हुए आप बढ़ते जाइए. 118 की बात ना है, अधिकतम बताए थे 118. तो 118 यहाँ पहुँचेंगे, आपका 118 पूरा हो जाए. लेकिन एक चीज ध्यान देने योग है कि 50 नहीं इतना बड़ा हो गया. अब सोचिए 80 का लिखना है, 110 का लिखना है, 118 का लिखना है और क्विकली लिखना पड़ता है. और मेन आपको जो यूज होता है इसका, सबसे बाहर जो देखते हैं मेन, हम लोग यूज इसी का करते हैं. आगे में जो देखते हैं ये इसी का यूज होता है, पीछे का कोई यूज नहीं होता. इसीलिए हम लोगों को जरूरत होता है इसको शॉर्ट करने का. एग्जाम में बहुत कम समय रहता है. अब 118 का आपको लिखना है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पता करना है. तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगेंगे इतना लंबा तो पता चलेगा, उसी को लिखते लिखते समय आपका समाप्त हो. तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अब सीखना पड़ेगा इसका शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे. तो चलिए उसमें थोड़ा सा हमारा टेक्निक है, उस टेक्निक के आधार पे आप इजीली काम कर लेंगे. लेकिन अगर इनर्ट गाइस जो हम बताए वो आपके हैंड में है तो होगा, अन्यथा नहीं होगा. तो देखिए इसी को कितना टेक्निकली हम लिख देते हैं, तुरंत हो जाएगा सभी बच्चे से. देखिएगा वीडियो लगेगा, कहीं दिक्कत नहीं सर, फटाफट 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 बनते जा रहा. तो देखिए करना क्या, इसके नीचे एक एग्जाम्पल हम पुट करते हैं, इसी की बात करने जा रहे हैं. मान लीजिए 50 का हमको लिखना है, इसी 50 का हमको लिखना है इन शॉर्ट फॉर्म. हेडिंग लिख सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म. आइए देखते हैं ये शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम लोग, शॉर्ट की बात कैसे करेंगे. तो इतना हम पुनः लिख देते हैं बोर्ड पे, हीलियम, नियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन. अब देखिए ये भी बोले थे ये 2, 10, 18, 36, 54, 86.
देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किताबी बात नहीं है, किताब में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए सुनना है ध्यान से। ऐसे ये सब वीडियो में देने की बात भी नहीं होती है, लेकिन चलिए देखते हैं। चलिए जैसे 50 की बात हम करते हैं, क्या करेंगे आप? तो आपको देखना है उसके नजदीकी और काम वाले, इसमें से सेलेक्ट करना, खोजना है जिसका आपको लिखना है उससे काम हो, उतना भी नहीं, उससे काम और उसके नजदीकी नियर है, उसके सबसे निकट कौन है ये देखना है। जैसे देखिए 50 का लिखना है तो ये तो देख रहे आप अधिक हो रहा, तो इसके जस्ट पहले कौन है? क्रिप्टन है 36। तो हम लोग सेलेक्ट कर लिए, चूंकि आपके मेमोरी में ये चीज हम पहले से डाल चुके हैं, पिछले वीडियो से ही प्रेशर दे रहे थे और आज भी एक बार रिमाइंड कर दिया आपके लिए, तो याद रहेगा, पूरा आपका टावर पकड़ लेगा कि 50 का लिखना है। जेनन तो 54 हो गया, तो क्रिप्टन ले, तो ठीक क्रिप्टन ले लिए हम, ये देखिए क्रिप्टन ले ली और क्रिप्टन ले लिए। उसके बाद देखिए अब टेक्निक क्या है, टेक्निक है कि जितना नंबर पे ये क्रिप्टन है, क्या नंबर पे है गिनिए, 1 2 3 4 उंगली पर बोले थे आपको याद रखने, हीलियम नियम आर्गन क्रिप्टन, क्या नंबर पे है? 4 नंबर पे है ना, 4 नंबर पे वो है। जितना नंबर पे होगा, जितना नंबर पे ये रहेगा, उसमें अपने मन से एक संख्या बढ़ा दीजिए। क्या करना है? जितना नंबर पे वो रहेगा उसमें अपने मन से एक संख्या इंक्रीज कर देना, और इंक्रीज कर देना तो ये 4 नंबर पे है तो बोलिए नंबर हो गया 5, संख्या आ गया। उसके बाद गारंटी देने जा रहे हैं कि जब भी ये होगा तो आपको नेक्स्ट एस ही ले होगा, तो ये एस हम ले लिए, तो यानी आगे क्लियर हो गया हम लोग को 5S, और 5S हो गया तो उस ट्रायंगल पे आप आ जाइए, याद कीजिए 5S के बाद था 4D, 4D और 5P, तो लिखे 4D और 5P। इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ आपका कितना है, 36, 36 2 हो गया, 38 10, 48 2 50, आप मिला लीजिए, देखिए 50 ऊपर में लिखा हुआ, सबसे आगे देखिए यही चीज है, देखिए सेम है ना, ऊपर में भी देखिए वही है, 5s2 4d10 5p2, ठीक है। अब देखिए कहिएगा सर आसान क्या हुआ, सर देखिए बिल्कुल आसान हुआ, क्या इतना आपको लिखना नहीं पड़ा, इतना ये तो 50 की ही बात है तो इतना नहीं लिखना पड़ा, सोचिए 112 का लिखिएगा तब क्या होगा, तो बहुत नहीं लिखना पड़ेगा है ना, तो वास्तव में बहुत कम का ये होता है, कभी भी लिखते हैं कहीं भी यूज करना रहता है तो यही लिखते हैं, इसीलिए आपको भी हमेशा इसी को फॉलो करना है। चैप्टर शुरू जैसे होगा फटाफट फटाफट फिर वो सुपरफास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए लिख के कितना लिखे, अभी 50 का हम लिख दिए, अब आप खुद काबिल हो चुके हैं, अब देखिए किसी का भी लिख सकते हैं आप, देखिए आपके सामने हम सब कुछ रखे हुए हैं, जो मन हो लिख डालिए, जैसा लीजिए, मान लीजिए आपको लिखना है 80 का, देखिए आप खुद बना सकते हैं, कहीं परेशानी नहीं है। अब सोचिए 80 के लिए हमको सेलेक्ट करना, सोचिए किसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये तो मोड़ हो जाए, ये तो लेना नहीं है, इससे काम कौन लेंगे, जैनन लेंगे, तो जैनन हम लोग ले ली, ये जैनन ले लिए, ये ब्रैकेट में बंद कर दी। अब देखिए जैनन कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे है,
तो क्या बोले थे जो नंबर होगा उसमें एक बढ़ा देना, एक बढ़ा देना तो फाइव है तो सिक्स ले लेंगे, और सिक्स ले लेंगे तो क्या वो गारंटी दिए थे हमेशा ऐसे ही होगा, तो एस ले ली तो देखिए क्या हो गया सिक्स एस हो गया, और सिक्स एस हो गया तब देखिए आपकी गाड़ी तो खुद आगे बढ़ जाएगी। क्यों? तो सिक्स एस के बाद बोले थे इस पे दोनों संभव होता है, पहले एफ लेते हैं और एफ के लिए दो कम करते हैं, तो दो कम करेंगे इसमें तो देखिए कितना हो जाएगा फोर एफ हो जाएगा, डी के लिए बोले थे एक कम करते हैं तो एक कम कर देंगे तो फाइव डी हो जाएगा। अब भर दीजिए ये 54 हुआ दो 56 हो गया, यहाँ 14 होता है 56 चार 60 10 70 10 80 देखिए लिखा चला गया 80 का, देखिए थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ बिल्कुल इजीली हम लोग काम कर लिए, तो 80 का हम लोग लिख चुके हैं। अब कहिएगा सर 110 का लिखिए, अरे किसी का लिखिए ना कहीं कोई परेशानी नहीं, सब का आप लिख सकते हैं। मान लीजिए 110 का हम लिखते हैं क्या परेशानी है, देखिए कुछ परेशानी नहीं बस गिनने आना चाहिए जोड़ घटा को आना चाहिए हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए तब रेडन हम लोग लेंगे, ये 86 ले लिए रेडन, और ये तो सिक्स नंबर पे है तो सेवन ले लिए, और एस तो बोले ही हो तो देखिए आ गया सेवन एस, और सेवन एस आ गया तो अब क्या करेंगे उसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दो कम करेंगे एफ के लिए फाइव एफ हो गया और सिक्स डी हो गया। तब गिनिए 86 होता है 86 दो कितना हो गया 88 हो गया 88 और 14 जोड़िए कितना हो गया 88 10 98 4 कितना हो गया 102 हो गया। लिखना कितना है 8 बचाने 8 भर दिए, देखिए लिखा चला देखिए कितना शॉर्ट में हम लोग लिख लिए हैं बहुत, इसीलिए बोले थे आप चाहेंगे तो उंगली पर भी लिख सकते हैं और वो संभव है। ऐसे आप सोचिए 110 का लिखते तो यहाँ शुरू करते वहाँ चला जाता, तो इसी तरह आप लिख सकते हैं 118 जो फाइनल होता है अंतिम होता है तो 118 लिखेंगे क्या तो रेडन सेवन एस टू फाइव एफ 14 सिक्स डी 10 हो गया, उसके बाद क्या 70 होगा ना 76 देखिए हो गया कितना 100। तो इस तरह से देखिए सबसे अधिक अप्लीकेबल यही है, इसी को ज्यादा हम लिखा करते हैं, ज्यादा क्या हमेशा इसी को लिखेंगे, तो इसको संभालना है संभाल के रखना है, सभी बच्चे को सीखना है, नहीं सीखिएगा आगे टॉपिक शुरू होगा फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए जैसे वीडियो मिलेगा सभी लोग फटाफट फटाफट पढ़ डालेंगे और काम करेंगे। तो चलिए इसी पे आप लोग थोड़ा बनाइएगा भी अपने से, ये 13 का बनाइएगा 20 का बनाइएगा 26 का बनाइएगा 33 का बनाइएगा फिफ्टी टू का बनाइएगा 88 का बनाइएगा 104 का बनाइएगा 113 का बनाइएगा। इतना आप लोग अपने से सभी बच्चे जो जहाँ है जिस हाल में है प्रयास करेंगे बनाने का, इसको सभी बच्चे अपने से बनाएंगे। तो ये देखिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक सीख गए, तो ये तो बात रही जनरल रूल की, जनरल नियम पर आधारित, लेकिन आप जानते होंगे सभी बच्चे इतना बड़े हो चुके हैं कि सभी को जिंदगी में कहीं ना कहीं मिल चुका होगा अगर कोई नियम बनता है तो उसका कुछ अपवाद भी हो जाता है। आप भी कुछ नियम बनाइएगा कि हमारा ये नियम है
तो कुछ विशेष लोग आते हैं जहां उस नियम की बात नहीं होती है। तो भैया अपवाद सभी जगह होता है, इसीलिए यहां भी कुछ अपवाद है, ऐसे है तो बहुत, लेकिन आपका जो काम चलेगा एक अपवाद आप जानेंगे उसी पे आपका खेल खत्म हो जाएगा। क्या है वो अपवाद, चलते हैं उसी पे हम। तो चलिए हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसी एक्सेप्शन को कहते हैं अपवाद। तो देखिए क्या है इसमें, तो अब ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। देखिए कहीं भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा बाहर में आपको ऐसा मिलेगा, आपको पता है सभी बच्चे जान रहे हैं कि एस के पीछे जितना होता है डी के लिए हम लोग एक कम करते हैं। अभी भी ट्रायंगल के नीचे हम लिखे थे अगर एन एस है तो एस एन में एक कम कीजिएगा एन माइनस वन डी हो जाए। तो ध्यान से सुनना है क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल भी रखें। तो रूल ये है आपको बताया कि एन एस एन माइनस वन डी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अगर बाहर में ऐसा नजर आ जाए तब सोचना है अन्यथा नहीं सोचना। तो ऐसा नजर आ जाए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एस में दो रहेगा डी में चार या नौ रहेगा। क्या बताए, पहला तो बता एन एस एन माइनस वन डी रहेगा, दूसरा आ गया एस में दो रहेगा डी में चार या नौ रहेगा, तब ये रूल लगाना आप अपवाद। तो ऐसा जब आ जाएगा और आप छोड़ दीजिएगा इसी तरह से तो आपका कॉन्फ़िगरेशन गलत। अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे, अभी तक जो बात चल रही थी उसके आधार से आप जाएंगे कि ये मिलेगा, और ये नहीं जानिएगा छोड़ दीजिएगा तब आपका फिर कहानी खत्म हो जाए। तब देखिए क्या है, वो गलत हो गया तो लग रहा है सर सही कैसे करेंगे, सर सही होगा क्या, बहुत आसान है। क्या करना है, जब जब इस हाल में आप पहुंचिएगा एस से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा दीजिएगा डी में, एस से एक इलेक्ट्रॉन को डी में दे देना है, मींस ये करना है एन एस में वन हो जाएगा एन माइनस वन डी, अगर चार रहेगा कि यहाँ से एक जाएगा तो पांच हो जाएगा, नौ रहेगा एक जाएगा तो दस हो जाएगा, और ये जब लिख देंगे तो फिर आपका ये सही हो जाए। ठीक है, बात आ रही समझ में, यही करना है। अब कहिएगा सर कुछ एग्जाम्पल भी रख दीजिए, देखिए दो चार उदाहरण भी हम नीचे में दे देते हैं। जैसे सबसे हाईलाइटेड कहीं भी घूमिएगा फिरिएगा गाँव घर में तो देखिएगा सबसे जो थोड़ा भी केमिस्ट्री जानता है केगा बहुत जानता है बहुत भागलपुर में पढ़ता है तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो यही पूछेगा, बाकी इससे अधिक वो जानता ही नहीं है। तो क्रोमियम का लिखना है, अब देखिए क्रोमियम 24 होता है, क्रोमियम 24 होता है, सोचिए क्या लेंगे, हीलियम नियन आर्गन, क्रिप्टन तो 36 हो जाएगा इसलिए आर्गन पे हम रहेंगे, तो आर्गन ले ली, ये आर्गन, आर्गन कितने नंबर पे है, तो हीलियम नियन आर्गन तीन पे है, तो क्या बोले थे एक बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे तो चार हो गया, और चार हो गया तो क्या बोले थे एस लेना है तो फोर एस हो गया, और फोर एस के आगे हम लोग क्या जानते हैं थ्री डी, थ्री डी तो ये थ्री डी हो गया, और थ्री डी हो गया, देखिए हमको लिखना कितना का है 24 का, 24 का तो ये 18 हो गया, दो 20 हो गया, चार 24 हो गया, देखिए उसी तरह का हो गया, देखिए है ना एस में दो गो और डी में देखिए कितना है चार गो है,
और देखिए एस के पीछे जितना है डी के पीछे एक कम है, एस के पीछे देखते हैं चार है डी के पीछे तीन है, जो कंडीशन था शर्त था उसी पे ये आ गया है। तो इतना अगर छोड़ देंगे आप तो ये आपका सही नहीं होगा। अभी तक यहीं तक हम लोग जानते थे लेकिन ये सही नहीं है। क्या करेंगे सही के लिए तो बता दिए, क्या करना है एस से एक निकाल के डी में दे देंगे और एस से एक निकाल के डी में दे देंगे तो देखिए क्या हो गया आर्गन 4s1 3d5 है ना, और ये आपका हो गया सही। देखिए कितना इजी, यही फॉलो करना है। जैसे देखिए सीयू लेते हैं कॉपर 29 होता है 29, अब लिखिए इसका तो 29 होता है, 29 के लिए देखिए क्या लेंगे आर्गन लेंगे तो देखिए आर्गन हो जाएगा, हल्ला नहीं करो आर्गन 4s2 यहाँ देखिए 3d9 हो जाएगा 29 ना है 18 2 20 9 29। देखिए ये लॉ वाला कंडीशन आ गया और लॉ वाला क्या ये सही आपका नहीं है, क्या करना पड़ेगा एस से एग्जाम करा दीजिए और एस से एग्जाम करा दीजिए तो देखो क्या हो जाएगा आर्गन 4s1 3d10 ये जाके अब आपका सही हो जाएगा। तो इसी आधार से बनेगा आपका मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम 42 होता है, सिल्वर एजी 47 होता है, एयू गोल्ड 79 होता है, इन सभी का आप सभी बच्चे होमवर्क के रूप में अपने से बनाएंगे, सभी से बन जाएगा, हमसे बात करने की भी आवश्यकता आपको नहीं होगी, फटाफट फटाफट लाइन क्लियर होते जाएगा और बनते चला जाएगा। तो इसी आधार पर है, जैसे लिखिएगा ये कंडीशन आ जाएगा और ये कंडीशन आ जाएगा तो फिर आप इसी तरह से एस से एक जंप करा दीजिएगा डी, डी में चला जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो चलिए ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लिए, शॉर्ट फॉर्म भी हो गया आपका। उसके बाद हम लोग एक एक्सेप्शन को भी देख लिए, और भी इस चैप्टर में एक्सेप्शन है, जब चैप्टर शुरू होगा उसका कुछ अलग नियम है उस पर वहाँ हम चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में है। ये सब सिलेबस में नहीं है लेकिन पूरा यूज है, यूज हम लोग करेंगे। तो चलिए आगे एक चीज और सीखते हैं। आप सुनेंगे सभी बच्चे कि एटम पे चार्ज होता है, कभी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है कभी निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के आधार पर, पहले तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज जैसे होता जानते हैं उसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, याद आया? हाँ याद आ गया होगा सभी बच्चे को कि आयन कहते हैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी। कहिएगा सर एग्जांपल, जैसे देखिए Cl- हो गया, अब ये आयन हो गया, जैसे Na+ हो गया ये आयन हो गया। तब तो लग रहा होगा आपको आयन दो तरह का होता होगा, एक ऐसा आयन होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक ऐसा आयन होगा जिसपे निगेटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले और निगेटिव चार्ज वाले वास्तव में यही होता, जब होता है तो उसका कुछ नाम होता होगा, और नाम होता होगा तो जान लीजिए। ऐसे तो हिंदी में तो बहुत आसान है, सब लोग जानते होंगे धन आयन, इसलिए इसको धन आयन कहते हैं, और इसको ऋण आयन कहते होंगे इसलिए ऋण आयन इसको। तो हिंदी में तो बिल्कुल आसान हो गया, ये धनायन है ये ऋणायन है, इंग्लिश में इसको एनायन कहते हैं इसको कैटायन कहते हैं। तो ये हो गया आपका एनायन, एनायन ये हो गया कैटायन, ऋणायन कहते हैं हिंदी में इसको धनायन कहते हैं। तो इसी का कॉन्फ़िगरेशन आज के क्लास में हम अंतिम बताएंगे आपको। तो इसका तो सभी लोग जानते हैं लेकिन इसका 199 आदमी नहीं जानते हैं। 100 आदमी से पूछिएगा तो एक आदमी भी सही बताएगा कि नहीं बताएगा, ये भी कहना मुश्किल है। तो इस पर मेन हम लोग को फोकस करना है, जैसे इसमें कोई कठिनाई है ही नहीं,
छोड़ भी देंगे तो आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से आप बना दीजिएगा। लेकिन ये कितना भी हाथ पर मार लेंगे आप, जब तक हमारा टेक्निक मिलेगा नहीं, संभव है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऐसे इतनी बात सभी बच्चे जानते होंगे, माइनस का मीनिंग होता है किसी ने इलेक्ट्रॉन उसमें पुश करके दे दिया, और प्लस का मीनिंग होता है किसी ने इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल दिया। तो क्या मीनिंग बताया जी? तो इसका मीनिंग हुआ इलेक्ट्रॉन किसी ने इसमें दिया। मीन्स जब ऋणायन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इंक्रीज करेगा। लेकिन कैटायन का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। जनरल बात है, आपके पैकेट से रुपया खर्च हो रहा है तो पैकेट में रुपया घटेगा। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, लेकिन यहाँ और देर है बढ़ेगा। तो इतना याद रखना है कि माइनस वाले में जितना माइनस रहेगा उतना इंक्रीज कर देना है, प्लस वाले में जितना प्लस रहेगा वो उतना डिक्रीज कर देना है, घटा देना है। अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, तो लिखेंगे कैसे। चलिए नंबर ए में लिख लीजिए ईसी ऑफ एनायन, ईसी ऑफ एनायन। एनायन इसीलिए पहले बता दिए चूंकि इसमें कोई ट्रिक टेक्निक नहीं है, सभी बच्चे आप अपने से लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल अभी हम लिखे थे, जैसे सीएल माइनस लिखे, आप जानते हैं ये अगर नहीं होता, इसका परमाणु संख्या आपको पता होगा 17 होता है, और जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर वो नहीं था तो इसमें इलेक्ट्रॉन हुआ 17 को, लेकिन ये हो गया तो वो एक बार जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हो गया 18 को। बस 18 का लिख दीजिए, 18 का लिख दीजिए, बस हो गया। आप जानते हो 1s 2s 2p 3s 3p, 2 4 10 12 18। देखिए हो गया, देखे ना, कोई विशेष बात थी ही नहीं, कोई भी कहीं भी आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए इन सभी का लिख लीजिएगा आप घर पे, ओ माइनस माइनस, एन माइनस माइनस माइनस, एफ माइनस, यही सब लिखिएगा, तो कोई कठिनाई नहीं। उसके बाद आइए नंबर बी में, ईसी ऑफ कैटायन। तो देखिए कहते हैं ईसी ऑफ कैटायन, कैटायन का ईसी अब लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पे, चूंकि पहले ही हम बोल दिए ये बिल्कुल कंसेप्चुअल है, बिल्कुल सीखना पड़ेगा, चूंकि किताब में इजी वे में मिलता नहीं, आपके ढूंढना आपके लिए थोड़ा सा कठिन काम है। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो ईसी ऑफ कैटायन, कैटायन की बात करते हैं। अब देखिए जैसे हमको लिखना है एफ ई प्लस प्लस, अब देखिए एफ ई प्लस प्लस का लिखना है। अब देखिए वो रूल कैसे कैसे गलत होता वो भी एक बार हम दिखा देते हैं। वहां क्या बोले थे, माइनस रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। अब बोलिए यहाँ एफ ई का सभी बच्चे जानते होंगे परमाणु संख्या 26 होता है, और बोले थे प्लस जब रहेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्लस को प्लस में कर दीजिएगा, यहाँ उल्टा होता है, माइनस मतलब
घुसा इसलिए बढ़ेगा और प्लस मतलब लेकर निकला घटेगा। तो ये पल दो प्लस है बोले थे जितना है उतना आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है, यहाँ दो घटा देंगे और दो घटा देंगे तो देखो हो गया कितना 24 24 हो गया। तो 24 का आप लिखते हैं और 24 का लिखते हैं तो देखिए बच्चे जो लिखते हैं क्या क्या लिखते हैं आप भी वही लिखते हैं आर्गन 4s2 3d 18 2 20 4 24। बहुत लोग यही लिख के कहते हैं हमारा तो सही हो गया हम लिख दिए सर क्योंकि सब कुछ जोड़ घटो सब कर दिए तो 24 तो लिख तो दिए लेकिन जानिए ये आपका सही नहीं है ये गलत है। अब देखिए जो दिमागी लोग होते हैं जो तेज तर्रार हैं सब दिन से पढ़े हैं कहते अरे ये तो अपवाद हो गया है एक दिन सुने थे एस में 2 रहेगा डी में 4 रहेगा तो ठेल देगा तो क्या करते हैं ठेल देते हैं और ठेल देते हैं तो देखिए हो गया आर्गन 4s1 3d 5 और 3d 5 ये लिख देते हैं और ये लिख के कितना बार हमारे साथ हुआ है यहाँ तक कि टीचर लोग चैलेंज कर देते हैं एकदम सही होना है लेकिन जानिए आपका ये भी सही नहीं है ये भी गलत है। तब कहते सर इसके आगे तो अब ताकत है ये नहीं अब क्या करेंगे तो बस अब टेक्निक फॉलो करना है देखना है क्या कहते हैं। तो एक चीज बताइए जो कंसेप्ट अब दे रहे हैं सुनिएगा कहिएगा नहीं सर बिल्कुल सही है बताए सर। अब बताइए सभी बच्चे प्याज देखे हैं और प्याज देखे हैं तो देखते हैं क्या होता है प्याज में परत पे परत रहता है। अब मान लेते हैं हम लोग कि प्याज आपको दिए हैं उसमें 5 परत है और 5 परत है हम आपके साथ कंडीशन लगा दिए हैं प्याज को न काटना है न तोड़ना है न फोड़ना है उससे 3rd परत को निकालिए। कहिएगा बाप रे सर ये तो भोले बाप बोलाना पड़ेगा हम लोग से होगा पहले हम 5वां को हटाएंगे तब 4th को हटाएंगे तब 3rd को हटाएंगे यही ना कंसेप्ट है जी सब समझ सकते हैं। प्याज अगर है तो उस प्याज में अगर 5 परत है तो सोचिए इस तरह से अगर 5 परत उसमें है तब 3rd को कैसे निकालिएगा पहले इसको निकालना पड़ेगा तब इसको वही यही गड़बड़ी उस केस में होता है यानी इलेक्ट्रॉन जो आपको रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन जो निकालना है नियम कहता है वो निकलेगा पहले सबसे बाहरी से अरे यहाँ से निकलेगा तब नहीं यहाँ से निकालिएगा कि पहले यहीं से निकाल लीजिए घुसिएगा कैसे पहले यहाँ से निकलेगा तब यहाँ से निकलेगा तब यहाँ से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकालते जाइएगा ये जगह खाली होते जाएगा कम आपका हो जाए। देखिए यही गड़बड़ी होता है उस केस में। अब देखिए क्या है अब सुनिएगा करना क्या है कैसे होगा। तो पहले ये घटाने सब की जो बात आप किए ये कभी नहीं करना ये जैसे कीजिएगा आपका गलत हो जाएगा। करना क्या है जिसका लिखना है पहले उस एलिमेंट का लिखना है जैसे आपको Fe प्लस प्लस का लिखना है तो पहले आपको Fe का लिखना ठीक है यानी पहले डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट नहीं कर देना घटा नहीं देना है पहले जिसका कैटायन होगा उस एलिमेंट का पहले लिखना ठीक है उस एलिमेंट का लिखेंगे। तो चलो इसका पता आप लोगों को 26 होता है तो लिखेंगे आर्गन 4s2 3d 6 18 2 20 6 26 ठीक है जी। तो 26 का हम लोग लिखेंगे
अब 26 का हम लोग लिख लिए तो अब देखिए क्या करेंगे आपको क्या बोले थे निकालना है क्योंकि हमको लिखना है एफी प्लस प्लस और एफी प्लस प्लस का लिखना है तो दो इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है और दो इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो क्या हम कांसेप्ट दिए जी कि खोजना पड़ेगा आपको सबसे बाहरी कक्षा को जो सबसे बाहरी कक्षा होगा वहां से रिमूव करना पड़ेगा तो बोलिए सबसे बाहरी कक्षा ये तो तीसरा कक्षा है और ये कल हम स्ट्रेस देके बताए थे कि ध्यान में रखिएगा इसके पीछे जो संख्या वो कक्षा होता है अब बोलिए ये तीसरा ये चौथा कक्षा है और कक्षा तो आपको बताए थे ये न्यूक्लियस है ये एक दो तीन चार अब बोलिए हमको तीसरा बाहरी है कि चौथा बाहरी चौथा बाहरी इसलिए पहले कहाँ से निकलेगा चौथा से निकलेगा यही भूल वहां होता है चौथा से नहीं निकाल के इलेक्ट्रॉन आप निकाल देते हैं तीसरा से और ये भयंकर भूल है और जब हम अपनी बात रखते हैं तो फिर कहता नहीं सर सही कह बिल्कुल सही बात है वास्तव में सही है तो चलिए क्या करना हम लोग खोज लिए चौथा बाहरी है तो यहाँ से निकालना क्या को निकालना है जी दो को निकालना है तो दो निकालिएगा तो पूरा घड़े खाली हो जाएगा पूरा घड़े खाली हो जाएगा तो देखो लिखा गया आर्गन 3D6 देखिए यहाँ कोई वैसा नहीं आया है न ये हुआ न ये हुआ तो ये जब लिखेंगे तब जाके कंप्लीटली आपका ये सही इतना कंसेप्ट इसमें है और बेजोर कंसेप्ट है कहीं भी ट्रायल मार सकते हैं पता चलेगा सही नहीं हुआ ठीक है ना टेस्ट करके देखिएगा तो चलिए हम लोग एक उदाहरण और देख लेते हैं फिर आज क्लास आपका ऑफ करेंगे फिर देखते हैं क्या होता आगे की बात तो जैसे मान लीजिए हमको ये C 29 है अब देखिए इसका हमको लिखना 29 तो आपको बताए थे आर्गन 4s2 3d9 18 2 20 9 29 और बोले थे जब ऐसा होगा तो ये सही नहीं है नौ रहेगा तो क्या बोले थे एक जंप कराना है एक जंप कराना है तो क्या हो गया आर्गन 4s1 3d10 चलिए ये तो हम लोग कॉपर का लिख ली अब बोलिए हमको लिखना है Cu+ का लिखना है क्या इलेक्ट्रॉन निकालना आपको एक इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ से निकालना पड़ेगा 4s से निकालेंगे देखिए यही बाहरी है ये निकल जाएगा तो देखो हो गया आर्गन 3d10 देखो ये हो गया हमारे नियम को फॉलो नहीं करेंगे सही होगा कि नहीं तो चलिए ये Cu+ का हो गया मान लीजिए आप Cu++ का लिखना है हमको तो एक और निकाल एक तो निकाल चुके एक और निकालना पड़ेगा अब तो बाहरी वही है चौथा हट गया अब तीसरा से निकाल सकते हैं तो हो गया आर्गन 3d9 तो इस तरह से देखिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हम सभी बात को रख चुके हैं जो 12th से रिलेटेड बातें हैं वो तो चैप्टर जैसे शुरू होगा उसमें बात करेंगे इसे अब जो भी बचा है उसमें कोई दम नहीं है जो विशेष बात थी सबको हम रख दिए लेकिन चूंकि कॉन्फ़िगरेशन आपको हम सिखा दिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पर खेल होता है इसीलिए अगला जो क्लास आपका शुरू होगा इसी जगह से शुरू होगा तो हेडिंग दे के छोड़ते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी
तो इसी जगह से हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में, यहीं से मिलेंगे आपसे। तो ऐसे बहुत लोगों को लग रहा होगा सर बहुत दिन से छोड़ दिए, ऐसे मैसेज हम कर दिए थे कि अस्वस्थ हो चुके हैं, और इस तरह से अस्वस्थ हो गए थे कि प्रयास तो करते थे लेकिन संभव नहीं हो पाता था। चलिए आज से काम आपका शुरू हुआ है, हम प्रयास में रहेंगे कि हम भी बीमार नहीं पड़े, और आप भी गॉड से प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि शुरू में भी बोल दिए थे स्वस्थ रहेंगे तो फिर आपका काम फटाफट होगा, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो चलिए जहाँ तक हम कर दिए हैं इतनी बात को सभी बच्चे बिल्कुल स्पष्ट ढंग से करके रखेंगे, ऐसे चलिए इसमें भी बनाइएगा तो कुछ बनाइएगा घर पे अपने से, तो ये लिखिए CA++ लिखना है, NI++ लिखना है, AG+ लिखना है, AU+ लिखना है, HG++ लिखना है, परमाणु संख्या नहीं याद हो तो हम लिख देते हैं, इसका 20 होता है, इसका 28 होता है, 47 होता है। तो इन सभी का बनाइएगा, क्योंकि इसके बिना इस चैप्टर में काम नहीं होगा, इसको कीजिएगा, इतना करके रखिएगा, जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।